हेलो सर, मेरा नाम है महबूब शेख। मैं कामधंधा यूट्यूब चैनल से आया हूँ। ओके सर, आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ ताकि मैं दर्शकों को बता सकूँ आपकी कंपनी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ दिलीप प्रजापति और यह है मेरे पार्टनर मिस्टर तुषार प्रजापति। मेरी कंपनी का नाम है श्री खोडियार एंटरप्राइज और हमारी ब्रांड है कोल्डेक्स सोडा मशीन, और एक दूसरी ब्रांड है हमारी किचन इक्विपमेंट के लिए एक्यूटस किचन इक्विपमेंट करके। तो दोस्तों, ये जो हमारी कंपनी है श्री खोडियार एंटरप्राइज, ये जो मैंने एस्टेब्लिश की थी 2011 से, सिंस 2011 से हम इस कंपनी को चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना आपको बिजनेस आइडिया डजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से बताया जाए, ताकि आपको जो बिजनेस आइडिया आसान लगे, प्रैक्टिकल लगे, जो बिजनेस आप कर सकते हो और आपको पसंद है, वो आप इसमें से चुन लो और बिजनेस कर पाओ। सर, मैं कामधंधा यूट्यूब चैनल से आया हूँ और मैं आपके कंपनी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और कैसे सर्विस देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। मेरा नाम है भाविन प्रजापति और यहाँ पर मैं कोल्डेक्स में डिस्पैच और जो कस्टमर सर्विस रहते हैं वो हैंडल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो मशीनरी बनते हैं वो हम यहाँ से कैसे डिस्पैच करते हैं, मतलब मान के चलिए कि यहाँ से कोई भी ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम पहुँचाते हैं, और पहुँचाने के बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर किसी को इंस्टॉल करवाना हो तो वीडियो कॉल पे भी समझा के इंस्टॉल करवा सकते हैं, और साथ ही में अगर किसी को वीडियो कॉल में भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है मशीन वगैरह, तो हम यहाँ से फैक्ट्री से कोई बंदा उनके वहाँ भेज के भी मशीन का इंस्टॉलेशन करवाते हैं। दूसरा कि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, हम जितने भी मशीन बना रहे हैं, जैसे कि सोडा मशीन हो गया, सॉफ्ट आइसक्रीम मशीन हो गया, शुगर कैन जूस मशीन हो गया, स्लश मशीन हो गया, ऐसी और भी जितने भी कोल्ड रेंज और हॉट किचन इक्विपमेंट हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, वो हम यहाँ पर हमारी कंपनी में खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट का भी हमारा बेसिकली काम है। सर, ये मशीन के बारे में बताइए। ये शुगर कैन जूस मशीन है जी, इंस्टेंट कूलिंग वाला मॉडल है। अच्छा, इसमें आप गंडा यहाँ से डालोगे, हाँ, इंस्टेंट कूलिंग होके ही निकल जाएगा। अच्छा, मतलब ठंडा ही जूस मिलेगा, कोई बर्फ बर्फ डालने की जरूरत नहीं इसमें आपको। वाह, ये भी पूरा बॉडी ऐसे 304 से बना हुआ है। एक कैंडी प्लांट मशीन है मिनी वाला। अच्छा, कितने कैंडी बनाता है सर ये? ये वन मोल्ड कैंडी प्लांट है, इसमें सिंगल मोल्ड है। मोल्ड पे, हाँ, इसमें डबल मोल्ड भी आता है, बड़ा जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से हम बना के देते हैं। ये भी सब हमारा इन हाउस बनता है। इस तरीके का आइसक्रीम बनता होगा? हाँ जी, ये सारा कुछ हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। सर, ये कितना बनता है दिन का बोतल इसमें? इसका आप 8 से 10 घंटे में आप इसमें से 2500 से 3000 बोतल निकाल सकते हैं इसमें। रोज का 3000 बोतल। एक बोतल कितने में बनता है सर? प्लेन सोडा का बोतल आपको 1.5 रुपए में पड़ेगा, हाँ, और विद फ्लेवर के साथ आपको 5.5 से 6 रुपए का बोतल पड़ेगा। अरे बाप रे, यानी कि ये मार्केट में 20 रुपए का बिकता है आराम से, यानी कि 15 रुपए का मार्जिन है इसमें। दोस्तों, आप कितना पैसा कमा सकते हो अगर आप गोटी सोडा का बहुत सारा है। और सर, यहाँ पर ये जो सारे हमारे किचन इक्विपमेंट है, जो किचन रिलेटेड, जो कैफे बनाना है किसी को, कोई भी चीज जैसे फूड प्लाजा बनाना है, कैफे बनाना है, रेस्टोरेंट यूज है, किसी को डोमेस्टिक का घर के लिए यूज करना है, सैंडविच गिलर अपने पास छोटा छोटा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आया हूँ कोल्डेक्स सोडा मशीन में और यहाँ पर मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 बिजनेस आइडियाज देने वाला हूँ और अलग अलग मशीनरी और इक्विपमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोल्डेक्स सोडा मशीन एक अहमदाबाद गुजरात में एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है जो काफ़ी अलग अलग किस्म की मशीनरीज बताता है, और इनकी मशीनरीज को लेकर के पूरे भारत देश में लोग काफ़ी अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं और दोस्तों काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में एक आध बिजनेस आइडिया आपको बताते रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्यों ना आपको बिजनेस आइडिया डजन के हिसाब से, किलो के हिसाब से बताया जाए, ताकि आपको जो बिजनेस आइडिया आसान लगे, प्रैक्टिकल लगे, जो बिजनेस आप कर सकते हो और आपको पसंद है, वो आप इसमें से चुन लो और बिजनेस कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं, कंपनी के शोरूम के ऑफिस में जाएंगे, हम कंपनी के ओनर से मिलेंगे, इनकी टीम से मिलेंगे, शोरूम देखेंगे और सारे मशीनों की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा। चलिए शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कोल्डेक्स सोडा मशीन के अंदर और यहां पर आप देखिए दोस्तों, इतना शानदार सोडा मशीन का यहां पर रेंज लगा हुआ है।
ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कोल्डेक्स सोडा मशीन 8+2, जिसके अंदर 8 सोडा और 2 सिरप के आपको नोजल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील में है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 2 नोजल की सोडा मशीन, और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है 6+2, जिसमें आपको 6 सोडा के नोजल्स मिलते हैं, आपको 2 सिरप के नोजल्स मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी 6+2 है, लेकिन ये अलग वाला मॉडल है। यहाँ पर 4+1 है। तो ऐसे ही आप अलग अलग मॉडल सोडा मशीन के ले सकते हैं। सोडा पप, फाउंटेन सोडा, ओमनी वन सोडा मशीन के लिए भी इस्तेमाल होने वाली मशीन सही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये है इस कंपनी का शोरूम, और यहाँ पर आपको सारे मशीन्स का रेंज मिलेगा। और यहाँ पर ये मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है एमडी सर का ऑफिस, और यहाँ पर है एक सेकेंड ऑफिस जहाँ पर सारा स्टाफ रहता है। तो यहाँ पर हम चलेंगे और बाकी की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिस में और जानते हैं कि ऑफिस में सर्विस, कस्टमर सपोर्ट और बाकी की चीज़ें ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, आपके लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, दोस्तों ये अभी हम कोल्डेक्स के ऑफिस में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सारा स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर इनकी यूट्यूब की एडिटिंग हो रही है और यहाँ पर सर्स बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हेलो सर, मेरा नाम है महबूब शेख। मेरा नाम है भाविन प्रजापति। सर मैं काम धंधा यूट्यूब चैनल से आया हूँ, और मैं आपके कंपनी के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोगों को मैं बता सकूँ कि आपकी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है और कैसे सर्विस देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या काम करते हैं। सर मेरा नाम है भाविन प्रजापति, और यहाँ पर मैं कोल्डेक्स में डिस्पैच और जो कस्टमर सर्विस रहते हैं वो हैंडल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो मशीनरी बनते हैं वो हम यहाँ से कैसे डिस्पैच करते हैं, मतलब मान के चलिए कि यहाँ से कोई भी ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम पहुँचाते हैं, और पहुँचाने के बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर किसी को इंस्टॉल करवाना हो तो वीडियो कॉल पे भी समझा के इंस्टॉल करवा सकते हैं, और साथ ही में अगर किसी को वीडियो कॉल में भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है मशीन वगैरह, तो हम यहाँ से फैक्ट्री से कोई बंदा उनके वहाँ भेज के भी मशीन का इंस्टॉलेशन करवाते हैं। अच्छा, यानी कि आप अगर इस कंपनी से जुड़ते हैं और कोई भी बिज़नेस करने के हिसाब से, या फिर आपका कोई रनिंग बिजनेस है उसके लिए आपको कोई मशीन की ज़रूरत है तो वो भी आप लेते हो, तो उसमें सर्विस और सपोर्ट को जो है वो भावेन सर देखते हैं और उसमें आपको कम्प्लीट सपोर्ट मिलेगा। ओके जी, और यहाँ पर हमारे साथ में और एक है मौजूद सर। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम धवल प्रजापति है। जी धवल जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं, मतलब जैसे क्या हैंडल आप करते हैं? मैं यहाँ पे किचन इक्विपमेंट का देखता हूँ। okay. उसका सारा कुछ रिक्वायरमेंट्स जो कस्टमर का रहता है वो फिलफिल करता हूँ। ओके okay. और किचन इक्विपमेंट्स में सर क्या क्या आ जाएगा, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमारे पास पिज़्ज़ा ओवन है, सैंडविच ग्रिलर है, डीप फ्रायर है, वेफल्स की बहुत सारी मशीनें हैं, फिर प्लानिटरी मिक्सर, केक काउंटर्स है, डिस्प्ले काउंटर्स है, और स्पायरल मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर, मोर देन ऑफ वेराइटीज़ है हमारे पास किचन इक्विपमेंट में। बेकरी इक्विपमेंट्स है, होटल इक्विपमेंट्स, कैफे इक्विपमेंट्स, सारा कुछ यहाँ से इन हाउस हम आपको सेट करके देते हैं। ओके okay. यानी कि दोस्तों किचन इक्विपमेंट्स हो, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि आपके घर के लिए भी लगने वाले किचन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हैं, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं कंपनी के एमडी सर के पास में और उनसे जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये है सर का ऑफिस, और चलिए चलते हैं ऑफिस में और आपको देते हैं इस कंपनी की जानकारी। हेलो सर, मेरा नाम है महबूब शेख, मैं काम धंधा यूट्यूब चैनल से आया हूँ। ओके सर, आपकी कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुना था तो इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ ताकि मैं दर्शकों को बता सकूँ आपकी कंपनी के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। तो दर्शकों ये है इस कंपनी के एमडी सर, प्लीज़ अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ दिलीप प्रजापति और यह है मेरे पार्टनर मिस्टर तुषार प्रजापति। मेरी कंपनी का नाम है श्री खोडियार एंटरप्राइज, और हमारी ब्रांड है कोल्डेक्स सोडा मशीन, और एक दूसरी ब्रांड है हमारी किचन इक्विपमेंट के लिए एक्यूटस किचन इक्विपमेंट करके। तो दोस्तों ये जो हमारी कंपनी है श्री खोडियार एंटरप्राइज, ये जो मैंने एस्टेब्लिश की थी 2011 से, सिंस 2011 से हम इस कंपनी को चला रहे हैं जी। और एक प्रोफेशनल वर्क सोडा मशीन एंड कोल्ड प्रोडक्ट का एक प्रोफेशनल वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विस और हमारा सप्लाई है। दूसरा कि हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, हम जितनी भी मशीन बना रहे हैं, जैसे कि सोडा मशीन हो गया, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन हो गया, शुगर कैन जूस मशीन हो गया, स्लश मशीन हो गया, ऐसी और भी जितनी भी कोल्ड रेंज और हॉट किचन इक्विपमेंट हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, वो हम यहाँ पे हमारी कंपनी में खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया और एक्सपोर्ट का भी हमारा बेसिकली काम है। ओके
यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। यस सर। सर आपके जो शोरूम में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने बताया कि आप कोल्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बेवरेजेस से और फिर साथ में आप किचन इक्विपमेंट्स में भी आप सारा को डील करते हैं। यस। तो क्या मैं अपने दर्शकों को दिखा सकता हूँ आपके इक्विपमेंट्स? हाँ, तो आप हमारा वर्कशॉप भी देख सकते हो और हमारा शोरूम भी देख सकते हो, और वो हमारे जो हमारे पार्टनर है मिस्टर तुषार प्रजापति, वो अपने बारे में बताएंगे और आपको वर्कशॉप और शोरूम के बारे में भी बताएंगे। ओके, तुषार जी, आप टेक्निकल हेड हैं शायद यहाँ? हाँ जी। तो आप क्या क्या यहाँ पर संभालते हैं? मतलब सभी कुछ, जो डिज़ाइन करना है मशीन को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो सारा कुछ काम मैं ही संभालता हूँ। ओके, ठीक है। तो सर मुझे अभी आपका फिलहाल शोरूम देखना है, तो क्या आप? हाँ सर, दिखा सकते हैं। चलिए चलिए आ जाइए। सर जी, ये कौन सा मशीन है जरा इसके बारे में कुछ बताइए। ये मशीन को कॉटन कैंडी मशीन बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो मॉडल अवेलेबल है, LPG से भी चलता है और इलेक्ट्रिक से भी चलता है। ओके। तो LPG मॉडल आप इसको ट्रॉली के साथ हमने अटैच किया है, आप कहीं पे भी उसको मूव कर सकते हैं। ट्रॉली हमारा पूरा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और बेहतरीन क्वालिटी का है मशीन जी। इससे कॉटन कैंडी बना करके बेच सकते हैं, कॉटन कैंडी बना के बेच सकते हैं। अगर कॉटन कैंडी का बिजनेस करना है दोस्तों, आप ये मशीन आप ले सकते हैं। पक्का। सर ये वाला मशीन, ये वाला डो मिक्सर है जी। ये डो मिक्सर मशीन है, हमारे पास दो तीन अलग अलग मॉडल है जी। क्या कितना कैपेसिटी है? 10 kg वाला है, 5 kg वाला है। ओके, ठीक है। इसके अंदर आप प्रीमिक्स बना सकते हैं जी, आटा बना सकते हैं जी, उसमें क्रीमी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं इसमें आप। अच्छा, मतलब जो भी मिक्स करने वाला आइटम है वो सब कुछ इसमें बना सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। और सर और मशीनरी के बारे में बताइए। अपना मॉबाइल मशीन है, सोडा मशीन, मोबाइल में जो वैन बैंड मॉडल लगता है जी, वो मशीन है जो कार में टेम्पो में लगता है, कार में लगता है, टेम्पो में लगता है, वो वाली मशीन है वाली। और ये सोडा मशीन है, सोडा मशीन है जी। इसको आप वैन में लगा सकते हैं। ये जो सोडा मशीन है, इसमें से जो सोडा निकलता है, ये 2 रुपया ग्लास दोस्तों बन करके निकलता है और 10 रुपया मार्केट में ग्लास बिकता है। आराम से, आराम से 8 रुपए का फायदा होता है प्रति ग्लास पे, तो आप इसका भी बिजनेस कर सकते हो। सर ये कौन सा मशीन है जी? स्लस मशीन है। इसमें सिंगल बाउल आता है, डबल बाउल आता है, 3 बाउल आता है जी। सभी मॉडल हमारे पास अवेलेबल है सर। स्लश माने क्या होता है? मशीन अपना आइस गोला जैसा होता है जी, आइस स्लश ही बोलते हैं जिसको, जिसको बर्फ के जैसा बोल रहा है वो। हाँ। गोले जैसा लग रहा है। अच्छा, वैसा तो आइटम ऐसे ग्लास में वगैरह निकाल, ग्लास में निकाल के जी, इसमें फायदा हो जाता है सर, काफी मुनाफा है इसमें। ओके, इसका लागत आपको 5.5 से 6 रुपए है, आराम से 25-30 रुपए बिकता है। 25-30 रुपए में एक ग्लास बिकता है और बनता सिर्फ 5.5-6 रुपए, 5.5-6 रुपए में बनता है। और ये सर छोटा शोरमा मशीन है? शोरमा मशीन है जी। सर ये शोरमा का जो मशीन है पूरा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है? हाँ जी, पूरा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है दोस्तों। LPG मॉडल है जी, LPG पर चलने वाला है। और अगर आपको छोटा शोरमा मशीन चाहिए तो मेरे ख्याल से आपने कहीं पे देखा भी नहीं होगा इतना छोटे साइज में। सबसे छोटा है जी, सैंडविच वाला है जी, स्लाइसर है, सैंडविच स्लाइसर जी जी जी। ये भी पूरा SS 304 से बना हुआ है। सर ये मशीन के बारे में बताइए। ये शुगर कैन जूस मशीन है जी, इंस्टेंट कूलिंग वाला मॉडल है। अच्छा, इसमें आप गंडा यहाँ से डालोगे, इंस्टेंट कूलिंग होके ही निकल जाएगा। अच्छा, मतलब ठंडा ही जूस मिलेगा, कोई बर्फ बर्फ डालने की जरूरत नहीं इसमें आपको। ये भी पूरा बॉडी SS 304 से बना हुआ है। अच्छा, इसको कभी जाम नहीं लगेगा, पूरा कार्ट है। इसमें नीचे स्टोरेज और रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगता है यहाँ पर जी। ये वाला ड्रोवर है अपना, कैश ड्रोवर है जी जी जी। ये अपना शुगर कैन का गन्ना रखने के लिए है, स्टोर वाला। और सर ये, ये वाला जो है अपना फ्रूट जूस मिक्सर है। अच्छा, हाँ, फ्रूट जूस बनाने के लिए। हाँ, इसमें से डालता है, इसमें आप आंवला का, अनार का, कोई भी आप सेब का, किसी का भी जूस निकाल सकते हैं इसमें से जी। ये वाली पॉपकॉर्न मशीन है जी, 500 ग्राम बाउल वाला मशीन है वाला अपना जी जी, ठीक है। ये भी पूरा 304 SS से बना हुआ मशीन अपना, ये अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, इसमें भी हमारे पास LPG भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक भी अवेलेबल है जी। ये सब मशीन हमारे यहाँ खुद प्रोडक्शन होता है यहाँ पर ही, इन हाउस ही। सर ये जो आगे की मशीन है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनकी जानकारी मुझे भी है। जैसे दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये जब यहाँ पर मैं आया था तो सर ने मुझे बताया था मशीन के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मशीन है जो आपने पहली बार मेरे ख्याल से आप देख रहे हो, 400 कोन 1 घंटे का निकालता है। हाँ जी, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है। बाकी आप कोई भी लोग है, कहीं से भी लोग है ना, 150 से 200 कोन प्रति घंटा आपको मिलेगा, लेकिन ये मशीन 400 कोन निकालता है। और प्लस रॉ मटेरियल, जहाँ पर 100 कोन का रॉ मटेरियल के जगह पे ये 100 कोन के रॉ मटेरियल में 150 कोन बना के तैयार करता है। तो दोस्तों ये सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, ये भी आप देख सकते हो, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है ये भी, ये इम्पोर्टेड है, ये मेड इन इंडिया मशीन था, ये भी मेड इन इंडिया मशीन है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा जूस बार है,
ये एक तरीके से जूस बार ही बोल सकते हैं सर, क्योंकि इसमें शुगर केन तो है ही, शुगर केन है, फ्रूट जूस है, स्लशी मशीन है, तीनों एक साथ में, और इतना बड़ा कार्ट है ये, इतना हैवी है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी अलग से, फ्रीजर भी देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, तो ये सब कुछ ठंडा करके ही निकलता है? हाँ जी, यहाँ पर फ्रीजर फ्रीजर सिस्टम भी है, यहाँ पर फ्रीजर भी अलग से है, आप फ्रूट वगैरह इसमें ठंडा कर सकते हैं। अच्छा, और ठंडा करके उसका जूस निकाल सकते हैं? हाँ जी। अरे वाह, ये फ्रूट जूस है, इसमें आप कोई भी फ्रूट वगैरह जूस बनाने के लिए रखना है, वो मशीन में ठंडा नहीं होगा, इसमें ठंडा करके आप उसमें से जूस इस्तेमाल निकाल सकते हैं। टफन ग्लास है इसका, टफन ग्लास लगा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो पूरा का पूरा जूस का पूरा सिस्टम यहाँ पर आ गया है आपका, एक ही कार्ट में फ्रिज है, साथ में शुगर केन का वगैरह कूलिंग सिस्टम है, फ्रूट जूस के लिए मशीन लगाया हुआ है, यहाँ पर स्लश मशीन के लिए, सब कुछ एक ही कार्ट में। इतना बड़ा है, इसमें काफी बड़ा लगा हुआ है। डिस्पेंस के लिए दो नल भी लिया है, दिया है इसमें। अच्छा अच्छा, डिस्पेंस के लिए भी दो अलग अलग नल दिया हुआ है। और सर ये मशीन एक कैंडी प्लांट मशीन है, मिनी वाला। अच्छा, कितने कैंडी बनाता है सर ये? ये वन मोल्ड कैंडी प्लांट है, इसमें सिंगल मोल्ड है, मोल्ड पे। इसमें डबल मोल्ड भी आता है, बड़ा जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है इस हिसाब से हम बना के देते हैं। ये भी सब हमारे इन हाउस बनता है, इस तरीके का आइसक्रीम बनता होगा। हाँ जी, ये सारा कुछ हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। जी जी जी। और सर ये वाला मशीन जो यहाँ पर दिख रहा है, ये जो गोली सोडा का है, बॉटलिंग प्लांट, गोटी सोडा का बॉटलिंग प्लांट, गोटी सोडा का यार जी, यानी कि वो जो मार्केट में मिलता है गोटी सोडा वाला वो। हाँ जी, इसका मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर ही होता है हमारे वहाँ ही। अच्छा, और इसको सेफ्टी के लिए सेफ्टी गार्ड भी दिया हुआ है आगे। जी, ये सेफ्टी गार्ड होगा बॉटल में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा बनता है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बढ़िया सा। ये देखो अभी सोडा बन गया अभी इसमें। जी दिखाइए सर, बहुत ही बढ़िया है। अरे वाह, बहुत पावरफुल सोडा है सर। तो ये सोडा बनाने की मशीन बबल्स बनता है। जी, ये बबल्स बनता है, इसके ऊपर अपने को पता चलता है कैसा स्ट्रॉन्ग है सोडा है। जी 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 जी, नहीं सर इतना इतना काफी है। और सर इसमें मतलब ये तो प्लेन सोडा है मेरे ख्याल से, इसमें फ्लेवर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें फ्लेवर के साथ भी है। अच्छा, फ्लेवर के साथ में एक बार आप सर बना करके बता दीजिए। ये बना हुआ है यहाँ पे, बना हुआ भी है ये, देखिए दोस्तों ये फ्लेवर के साथ में है। फ्लेवर का भी यूज कर सकते हैं। कितने फ्लेवर? 60 फ्लेवर्स। ये देखिए दोस्तों, ये गैस दोस्तों इसके अंदर बहुत ही पावरफुल है, ये फ्लेवर में है, और 60 फ्लेवर से आपको इसके अंदर मिलेंगे। और सर ये बाकी के जो मशीन यहाँ पर रखे हुए, इसी मशीन का सेटअप है पूरा, एक चिलर है, एक कार्बोनेशन टैंक है। अच्छा, एयर कंप्रेसर है जो इसमें ह्यूमेटिक के न्यूमेटिक के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा, और ए CO2 सिलेंडर है जिससे सोडा बनता है। अच्छा, ये सारी चीज है। हाँ, ये सारा सेटअप एक साथ में ही आता है, इससे गोटी सोडा बनकर तैयार। गोटी सोडा बनता है। सर ये कितना बनता है दिन का बॉटल इसमें? इसका आप 8-10 घंटे में आप इसमें से 2500-3000 बॉटल निकाल सकते हैं इसमें। रोज का 3000 बॉटल, एक बॉटल कितने में बनता है सर? प्लेन सोडा का बॉटल आपको 1.5 रुपए में पड़ेगा। हाँ, और विथ फ्लेवर के साथ आपको 5.5-6 रुपए का बॉटल पड़ेगा। अरे बाप रे, यानी कि ये मार्केट में 20 रुपए का बिकता है आराम से, यानी कि 15 रुपए का मार्जिन है इसमें। दोस्तों आप कितना पैसा कमा सकते हो अगर आप गोटी सोडा का प्लांट लगाते हो तो? और सर यहाँ पर ये जो सारे हमारे किचन इक्विपमेंट है, जो किचन रिलेटेड, जो कैफे बनाना है किसी को, कोई भी चीज जैसे फूड प्लाजा बनाना है, कैफे बनाना है, रेस्टोरेंट यूज है, किसी को डोमेस्टिक का घर के लिए यूज करना है, सैंडविच ग्रिलर अपने पास छोटा छोटा, ब्लेंडर है। ये देखिए दोस्तों, ये सैंडविच ग्रिलर है, सैंडविच ग्रिलर है, ये सारे छोटे बड़े सब किस्म के सैंडविच ग्रिलर अपने पास, पिज्जा ओवन है अपने पास, वेफल मशीन है, ये ओवन है, वेफल मशीन है, ये सारे अलग अलग मॉडल है सबके। ये छोटा सा पॉपकॉर्न मशीन है अपना, 200 ml बाउल वाला, पिज्जा ओवन है सारे जी, पिज्जा ये ओवन में पिज्जा बन जाएगा। हाँ, इसमें भी देखो, ये पिज्जा वाला डीप फ्रायर है सर ये? हाँ, डीप फ्रायर है दोस्तों, ये देखो डीप फ्रायर है अपना, ये पूरा डीप फ्रायर है अपना। इसमें भी हमारे पास अलग अलग मॉडल अवेलेबल है। अच्छा। 4 KG वाला है जी,
ये अपना 12 केजी वाला है, लंबा वाला। इसमें आप स्पेशली वो वाला आता है अपना जो पोटेटो, स्प्रिंग पोटेटो चलता है अभी मार्केट जी, में ज़्यादा, हाँ, हाँ, हाँ। इसके रिलेटेड है, पोटेटो स्प्रिंग का भी मशीन है अपने पास। अच्छा, हाँ, तो स्प्रिंग पोटेटो जो बनता है उसका भी मशीन है अपने पास जी। इसमें आप पोटेटो रख के कर सकते हैं इसमें से। अच्छा, स्प्रिंग पोटेटो बना सकते हैं? हाँ, इसमें से आप स्प्रिंग पोटेटो बना सकते हैं और इसमें डीप फ्राई कर सकते हैं आप उसको। हाँ हाँ हाँ, यानी कि स्प्रिंग पोटेटो जो मार्केट में बहुत फेमस डिश है उसका भी सेटअप मिल जाएगा। हाँ जी। सर ये कौन सा मशीन है? वो एक्सप्रेसो स्टीमर कॉफी मशीन है। अच्छा, कॉफी एक्सप्रेसो मशीन भी यहाँ से मिल जाएगा? हाँ, सिंगल नोजल है, डबल नोजल है। वाह, इसमें भी हमारे पास 3-4 मॉडल अलग अलग है। जी जी। छोटे से छोटा 7 लीटर कैपेसिटी वाला आता है जी, फिर बड़ा 12 लीटर का आता है, 18 लीटर, 22 लीटर, आपको जैसा रिक्वायरमेंट कस्टमर के हिसाब से हम कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं उसको। अच्छा, जितना हाँ जो कस्टमर जो मांगेगा वो आप बना के देंगे? वाह वाह, पक्का पक्का। दोस्तों यहाँ पर इतना सब कुछ सामान बहुत है, सारा प्रोडक्ट है हमारे पास जी, एक वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीप फ्रिज भी हमारे पास, देखिए डीप फ्रीजर भी है यहाँ पर, देखिए ये तो बताना ही भूल गए। हम डीप फ्रिज भी रखते हैं, बनाते हैं। गोलगप्पे वाली भी मशीन है अपने पास, पानी पूरी मशीन। हाँ जी, पानी पूरी मशीन देखिए पीछे रखी हुई है वहाँ पे। ये गोलगप्पा वाली मशीन है अपने पास जी, इसमें 6 फ्लेवर है, इसमें 3 फ्लेवर भी आते हैं, 3 फ्लेवर भी अवेलेबल है, 6 फ्लेवर भी, 2 फ्लेवर भी अवेलेबल है, 8 फ्लेवर भी अवेलेबल है, जितना भी आपको बड़ा चाहिए आप ले सकते हो। सकता है इसमें ऑटोमेटिक सेंसर वाला सिस्टम लगा हुआ है जी जी, खाली आपको पानी पूरी रखने का पानी अपने आप ले लेगा वो। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिक पानी पूरी वेंडिंग, वाह, ऑटोमेटिक है। दोस्तों यहाँ पर इतना सारा इक्विपमेंट, इतने सारे मशीनरी आपको दिखाया है हमने, अगर इसमें से आपको कोई भी लेना हो या फिर आपको किसी भी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए हो तो बेझिझक होके कोल्डेक्स के स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर विजिट करना है तो कॉल करके आप लोकेशन मंगा लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए एड्रेस पर आप आ जाइए। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इतनी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वही काम है हमारा सर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक ज़रूर करना, और इनमें से कोई भी मशीन अगर आपको लेनी हो तो एक बार कोल्डेक्स कंपनी में कॉल ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।